ओम शांति। 17 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। नंबर 2। घर परिवारों में आजकल बच्चे बहुत लोभी हो चुके हैं। वह सोचते हैं कब हमारे माँ बाप मरे तो हम प्रॉपर्टी का मालिक बने। बाबा कहते ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हम भी शिव बाबा के बच्चे बने हैं, पर हम बाबा के बारे में ऐसा कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा तो अशरीरी है, जन्म मरण से न्यारा है। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी प्रॉपर्टी मिलती है। नंबर 3। परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या? एक बाप अनेक बच्चे, अंग्रेजी में कहते गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सब परमात्मा व प्रभु ईश्वर कहते हैं, लेकिन वो हम सब का पिता है, जिसको प्यार से बाबा कहते हैं। नंबर 4। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी होता तो हम सब ये जो गाते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, तो अगर परमात्मा हमारे अंदर होता तो फिर भाई भाई तो कह नहीं सकते। आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिवान है। नंबर 5। घर में जब कोई बच्चा पैदा होते हैं तो सोचते हैं वारिस आया है, तो हम भी भगवान के घर में आके भगवान को बाबा कहते हैं, तो हम भी शिव बाबा के वारिस बच्चे हो गए, तो बच्चा मतलब वारिसपना सिद्ध हो जाता है। दुनिया में अक्सर करके बच्चियां माँ कहती हैं और बच्चे बा 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 कहते हैं। बच्चों का बाप की तरफ प्यार जाता है। तो अब बाबा की हमें श्रीमत मिलती है कि तुम्हें सब आत्माओं को शिव बाबा का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का राज भी समझाना है। नंबर 6। अब देखो, बौद्ध धर्म की भाषा अलग है, चीन उनकी भाषा अलग है, जापान की भाषा अलग है। बौद्ध हैं वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन देखो, भारत का कभी कोई दुश्मन नहीं बनता है, आपस में लड़ते रहते हैं। भारत में भी फूट डाल भारत को लड़ा देते हैं, नहीं तो भारतवासियों को तो आपस में कभी कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी, दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। नंबर 7। बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है, वो ये समझते ही नहीं कि भारत जब सोने की चिड़िया देवताओं का राज्य था, तो वो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण राज्य करके गए, किसी ने तो उनको राज्य दिया होगा ना। बस जो आया सो बोल देते हैं, 40,000 वर्ष कलयुग और चलेगा। अब परमात्मा कहते ना क्रिएटर को जानते ना डायरेक्टर को जानते, सब कुछ भूल गए हैं। नंबर 8। यह स्कूल है, यहाँ पढ़ाई होती है। देखो, दूसरे स्कूलों में भी पहले अलग पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़े इम्तिहान पास करते हैं, तो यहाँ पर भी शिव बाबा अलफ और बे ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते अलफ का मतलब होता है परम पिता परमात्मा, बे का मतलब होता है स्वर्ग की बादशाही। यही सहज योग से हम परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा पा लेते हैं। नंबर 9। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठने का अभ्यास होता है। बाबा कहते बच्चे तुम भी 3-4 बजे उठो। भक्त भी देखो सवेरे सवेरे ध्यान करते, कोई हनुमान का कोई शिव का। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएगी। सतयुग में देखो ताज कैसे थे, फिर द्वापर में देखो पगड़ी कैसी थी, फिर द्वारिकाधीश की पगड़ी देखो कैसी है। तो समय प्रति समय यहाँ सबकी पगड़ी भी ड्रेस भी बदलती रहती है। हर एक युग की रस्म रिवाज अलग अलग चलती ही रहती है। नंबर 10। ये जो तुम नोट्स आदि लेते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब बुद्धि में बैठ जाता है तो नोट्स की क्या ज़रूरत। हाँ, दूसरों को सुनाने के लिए नोट्स लेने पड़ते हैं, बाकी तुम्हें किताब आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस समय सब दुखी हैं, कहा जाता दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, उनको बताना है कि ब्रह्मा को भी भगवान ने अडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाया, फिर उनके मुख कमल से बाबा हमें रचते हैं। तो सबको बाबा का परिचय देना है। अच्छा, आज का वरदान। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाओगे।
उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमानों की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मनमना भव है और यह मनमना भव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन, बाबा की श्रीमत परमान जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। आज याद रखेंगे, बाबा मेरा साथी है।